हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है, अम्लीय माध्यम में उसका रंग कैसा होता है, क्षारीय माध्यम में उसका रंग कैसा होता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या है। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, अर्थात pH मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है कि अम्ल क्षार सूचक यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर एक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, कई तरीके के होते हैं, जैसे प्राकृतिक है, मानव निर्मित है इंडिकेटर्स, वो सबके विषय में भी चर्चा करते हैं। तो जिनका अम्लीय, अगर हम लोग अम्लीय माध्यम में उसका प्रयोग करें तो उसका रंग दूसरा होगा, क्षारीय माध्यम में दूसरा होगा। या ये कह सकते हैं सूचक के बारे में कि वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के संबंध में सूचना देता है, सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है, फेनेफ्थलीन है इत्यादि। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो हैं क्या, ये मैंने आपको परिभाषा में समझा दिया है। वैसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसकी सूचना देते हैं। सूचक का मतलब तो सूचना देने वाला, इंडिकेट करने वाला। चलिए अब इसको अम्ल जो क्षार सूचक हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। देखिए इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है प्राकृतिक सूचक और एक है मानव निर्मित सूचक, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए प्राकृतिक सूचक है क्या ये समझते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब हो गया कि वैसे जो भी सूचक होते हैं जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, देखिए लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, प्याज है, वनीला है, लौंग है, ये सब प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं। आप आसानी से देखते हो प्रकृति से हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अभी सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं लिटमस के बारे में कि लिटमस क्या होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। वैसे आपने प्रयोगशाला में प्रयोग किया है कि लिटमस दो रंग के आपने देखे हैं, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। तो चलिए इसी के विषय में चर्चा करते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पानी में घुलनशील होता है। लिटमस एक प्रकार का क्या है, रंग है, डाई है, जिसे लाइके नामक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है। तो जहाँ प्राप्त करने की बात हुई तो लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म से इसको प्राप्त किया जा सकता है। लाइकेन है क्या, लाइकेन फंगस तथा काई का संयुक्त रूप है, जिनका आपस में सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि लाइकेन क्या होता है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो वो आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग को लिटमस पेपर पता चल गया, ये किससे प्राप्त होता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार की पहचान के लिए, देखिए अधिकतर अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। अब आपको जैसा मैंने पहले भी बता दिया है, लिटमस पेपर दो रंगों का होता है, एक लाल है और एक नीला है, ठीक है, दो रंग में मिल गया। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। अगर अम्ल है कोई विलयन अम्ल है तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल दिया, लाल कर दिया, ठीक है। तो ये पहचान हो गई कि अगर अम्ल है और आपने लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर क्षार है तो लाल रंग के लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अम्ल और क्षार की। अब नेचुरल तौर पे हम लोग, हल्दी भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, हल्दी भी एक इंडिकेटर है।
अच्छा, हल्दी का प्रयोग तो आप आसानी से घर पे भी कर सकते हो, ठीक है? कैसे, बताती हूँ। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ये आपको पता है। हल्दी के रंग पर जैसे अगर अम्ल में कोई मिलाया जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नींबू का रस लिया, ठीक है, उसमें आपने हल्दी को मिलाया, तो अगर क्योंकि नींबू का रस क्या है, अम्ल है, अम्लीय माध्यम हो गया, ठीक है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आपको पता है उसमें। तो अगर उसमें क्या किया, हल्दी को घोला, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परंतु क्षार हल्दी के पीले रंग को क्या कर देता है, भूले रंग में परिवर्तित कर देता है। चलिए ये भी आप घर से देख सकते हो कैसे। जैसे कि कभी आपने खाना खाया और कपड़े पे आपके सब्जी गिर गई या हल्दी वाला कोई भी ऐसा दाग लग गया, तो जब आप उस पर क्या डालते हो, सर्फ डालते हो, साबुन से उसको साफ़ करते हो, साबुन क्या है, क्षार है, क्षार साफ़ करते हो, तो वो किस में रंग बदलने लगता है, भूरा लाल रंग में, थोड़ा रेडिश कलर में आने लगता है। तो इससे पहचान कर सकते हो कि अगर हल्दी को किसी विलयन में डाला और उसने क्या किया, भूरा लाल रंग में परिवर्तित होने लगा, तो यानी कि वो क्या है, क्षार, ठीक है। ये तो बात हो गई हल्दी की। चलिए अब बात करते हैं मानव निर्मित सूचक की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की क्या होती है। चलिए, सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है को मानव निर्मित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे क्या है, फिनेफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण मानव निर्मित सूचक हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर आपने पढ़ लिया है, फिनेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आप और पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मानव निर्मित सूचक है। होता क्या है, चलिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। फिनेफ्थलीन जो होता है, देखिए फिनेफ्थलीन का जो रंग होता है वह एक रंगहीन क्या है, घोल है। अगर आप उसको देखेंगे तो ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, तो रंगहीन घोल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर फिनेफ्थलीन को क्षार में मिला दिया जाए या क्षार को फिनेफ्थलीन में मिला दिया जाए, तो इसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अगर कोई क्षार है उसमें फिनेफ्थलीन इंडिकेटर डाला गया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो गुलाबी में हो जाएगा। लेकिन अम्ल में फिनेफ्थलीन को मिलाने से वह रंगहीन ही रहता है, यानी कि कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, देखिए मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का तरल है। कलर कैसा होता है इसका, ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार के मिलाने से पीला हो जाता है, अगर मिथाइल ऑरेंज को क्षार में मिलाते हैं तो वो किस रंग का बदल जाएगा, पीला हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज का रंग अम्ल में मिलाने से क्या हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, अगर वह क्षार है और मिथाइल ऑरेंज मिलाया तो वह पीला हो जाता है, और अगर वो क्या है, अम्ल है और उसमें मिथाइल ऑरेंज मिला दिया तो वो लाल हो जाता है। ये तो हो गया, आपने फिनेफ्थलीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, आपने मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब कुछ होते हैं सूंघने वाले सूचक। सूंघने वाले सूचक क्या होते हैं भाई, सूंघने वाले को आप देख नहीं सकते लेकिन सूंघ तो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देखिए होता क्या है ये समझते चलिए। प्रकृति ने हमें ऐसे पदार्थ दिए हैं जिनका गंध अम्ल और क्षार को मिलाने से बदल जाता है। ऐसे पदार्थ सूंघने वाले सूचक, देखिए ऐसे पदार्थ सूंघने वाले सूचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। जैसे वनीला है, लौंग है, प्याज है इत्यादि। देखिए प्रायः वनीला, लौंग, प्याज का उपयोग सूंघने वाला सूचक के रूप में अम्ल और क्षार को पहचानने में किया जा सकता है। सूंघने वाले जो सूचक होते हैं तो आप उसको देख नहीं सकते लेकिन वो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चार्ट बना हुआ है एक प्रॉपर, तो अम्ल व भस्म यानी कि क्षार द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचना सूचक इंडिकेटर्स क्या हैं ये समझ लीजिए, और उसका रंग अगर परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा।
जैसे मैंने पहले तो सबके बारे में बता भी दिया है, लेकिन फिर से एक बार एज ए रिविज़न के तौर पे आप देखते चलेगा। लिटमस है, अगर अम्ल में मिलाया जाए तो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और क्षार में मिलाया जाए तो लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, हल्दी। अगर अम्ल में मिलाया जाए तो पीला, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पीले का पीला रहेगा। परंतु अगर क्षार में मिलाया जाए तो लाल व भूरा रंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथिल ऑरेंज की। अगर अम्लीय माध्यम है तो वो लाल हो जाएगा, क्षारीय माध्यम है तो वो पीला हो जाएगा। फिर बात करते हैं फेनेफ्थिलीन की। कलर कैसा होता है फेनेफ्थिलीन का? रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में वो रंगहीन ही रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में वो क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। एक चुकंदर है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। अम्लीय माध्यम में लाल बैंगनी कुछ टाइप का उसका कलर आ जाता है, और क्षारीय माध्यम में वो पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये एक समरी थी जो आप देख करके समझ सकते हो। तो अब हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पीएच वैल्यू, पीएच स्केल क्या होता है। थैंक यू।